तुझे दूंगी। नहीं, नहीं, रुक जाओ। केशव क्या हुआ? महर चाची की बच्ची बहुत रो रही है माँ। तुम चिंता मत करो बेटा, महर चाची और उनकी बेटी को हम जल्दी घर ले जाएंगे। हाँ चलो। पर माँ, महर चाची के पास उनकी बच्ची नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा माँ, महर चाची की बच्ची खतरे में है। मेरी बच्ची रो रही है। चुप आ जा, कुछ नहीं हुआ, डर मत। भाई साहब, आपने किसी कैसी औरत को देखा है जिसके हाथ में छोटा बच्चा था? हाँ हाँ, उस तरफ गई है। चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं है ना वहाँ है। चाची, आप किसको चुप करवा रही हो? आपके हाथ में तो तकिया है। क्या बोले? अरे ये चोट कैसे लगी बेटा? उन्होंने धक्का दिया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? गोद में तकिया लेकर माँ होने का नाटक कर रही हो और ऊपर से बच्चे के साथ मारपीट भी? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर किसी ने मेरे बच्चे के पास आने की कोशिश की, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। देखो जरा, ये तो पागल औरत लगती है। गांव से बाहर निकाल दो इसे, ये तो पता नहीं कब किसे मार दे। हाँ, हमारे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, पता नहीं कब खतरा बन जाए सबके लिए। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। रुको, मत मारो। यशु यशु, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डरिए मत महर चाची, शांत हो जाइए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम अभी बस अपने साथ इन्हें घर ले जाएंगे। कृपया करके आप भी लौट जाइए। आप ठीक तो है ना महर चाची? आपके
आपकी बच्ची को चोट तो नहीं लगी ना? बताइए ना मेहर चाची, आपकी बच्ची को चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ पत्थर लगा था। रुको, मैं तुम्हें अभी देखकर बताती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ मेरी बच्ची को यहाँ पत्थर लगा, देखो। मेरी बच्ची को चोट नहीं लगी। मेरी बच्ची को चोट नहीं लगी। लेकिन आपकी बच्ची इतना शोरगुल सुनकर डर गई होगी ना? उसे जरा प्यार से थपथपा दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो। डर मत, डर मत, मैं हूँ ना। माँ है तेरे पास, माँ है। सब ठीक है, सो जा, सो जा। देखो ना, मैं अपनी बच्ची को कब से थपथपा रही हूँ, लेकिन ये चुप नहीं हो रही। मैं क्या करूँ? बोलो ना यीशु, मैं क्या करूँ? यीशु, यीशु बोलो ना। आपकी बच्ची आपकी आवाज पहचानती है, इसलिए उससे बात करेगा तो वो सो जाएगी। तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। सो जा मेरी गुड़िया, मेरी राज दुलारी। मेरी बच्ची चुप हो गई, मेरी आवाज सुनते ही मेरी बच्ची चुप हो गई। देखो, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है। मुझे पता है ये मेरी बच्ची नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानना नहीं चाहती हूँ। क्या अब मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगी? उसे अपनी अपनी गोद में नहीं खिला पाऊंगी, उसे अपना दूध नहीं पिला पाऊंगी। बोलो ना यीशु, बोलो यीशु, कुछ तो बोलो। ऐसा मत कहिए मेहर चाची, इस संसार में माँ के विश्वास और उसकी ममता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखेंगी कि आपकी बच्ची आपके पास है और सुरक्षित है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि माँ की दुआ सिर्फ भक्ति नहीं, किस्मत भी बदल सकती है। मेहर चाची की बच्ची जहाँ कहीं भी हो, उसकी रक्षा कीजिए परमपिता, रक्षा कीजिए। नहीं अर्जुन, अभी भी समय है अर्जुन, अपना फैसला बदल दो अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन नहीं,
भी मेरे साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। शुक्र है, बला टली। चलिए अब घर चलते हैं। मेहर को बताना है कि हम बच्ची को वैद्य के पास लेकर गए थे और वहीं उसने दम तोड़ दिया। मेहर अच्छी तरह से जानती है कि मैं खुद एक वैद्य हूँ, और लीना और मेहर पूछेंगी नहीं कि अगर बच्ची ने दम तोड़ दिया है तो वो कहाँ है। उसको दिखाए बिना तुमने उसको कैसे? भाई साहब, ना आप अपना दिमाग खराब कीजिए ना मेरा। कहा ना आपसे, मैं सब संभाल लूंगा। चलिए घर चलते हैं, चलिए। जन्म ने छावर
किस लिए? परमपिता परमेश्वर ने बच्चे के रूप में आपको दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा दिया है, लेकिन ये फूल मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। तुम्हारा दिया हुआ ये फूल ईश्वर के दिए हुए तोहफे जितना ही अनमोल है, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची सुरक्षित है और मेरे पास है। माँ कहती है कि मैं फूलों से सीखना चाहिए कि वे सभी के लिए झुक जाते हैं, हवा सूरज पानी आंधी सभी के लिए कितना कुछ और भी, सबका आदर रखना और सबका मान रखना। अगर हम लगातार झुकते गए कभी उठे ही नहीं तो एकदम से टूट जाते हैं। ये फूल टूट सकता है, हम टूट सकते हैं, कोई और टूट सकता है, लेकिन एक माँ कभी नहीं टूट सकती। भाई साहब, मैं आज रात ही मेहर को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर गांव वालों ने किसी ने पूछा तो कह दूंगा कि बच्ची पैदा होते ही मर गई। ये कैसे हो सकता है? असंभव लगता है, यीशु ने फिर कोई करामात कर दी। मैं चाची की बच्ची कितनी प्यारी है ना गुरुजी? देखिए, माँ और बेटी दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। ये फूल टूट सकता है, हम टूट सकते हैं, कोई और टूट सकता है, लेकिन एक माँ कभी नहीं टूट सकती। मैं कल सुबह अपनी बच्ची को लेकर मायके जा रही हूँ। कब तक आऊंगी कुछ पता नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा इस समय मायके जाना ही ठीक है। अच्छा होगा कि आप मेरे इस फैसले का सम्मान करें, नहीं तो मजबूरन मुझे सम्राट को वो सब बताना होगा कि आपने मेरी बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश की। और हाँ, जो खास तरह का काढ़ा आपने मुझे पिलाया था उसकी कुछ बूंदें अभी तक उस बर्तन में हैं, जो कि सबूत के तौर पर सम्राट के सामने पेश की जा सकती है। नहीं मेहर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। शायद एक पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ ऐसा जरूर कर सकती है, क्योंकि कोई भी टूट सकता है, लेकिन एक माँ कभी नहीं टूट सकती।